Samsung Galaxy S22 Ultra में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है, वो भी अप्रैल मंथ का, 4 अप्रैल हुई है, एंड जो है अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। चेकअप करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं पे अपडेट आया है, या जस्ट ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है। तो चलिए गाइस शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस। तो गाइस आज जो डेट है वो है 4 अप्रैल, एंड सैमसंग S22 अल्ट्रा में ऑलरेडी जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है, एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कुछ बग्स वगैरह फिक्स करेगा, वो हमें लेटर ऑन पता चलेगा कि हो गए नहीं हो गए। ओवरऑल स्टेबिलिटी इम्प्रूव्ड है, एंड न्यू एंड बेटर फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके अलावा कुछ डिटेल्स दी गई जो अपडेट होंगी, तो चलिए चेकआउट करते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइज फाइनली जो है डिटेल्स वगैरह अपडेट हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर आपका लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आ चुका है S22 अल्ट्रा में। वैसे कोई भी मेजर चेंजेस नहीं थे, जस्ट सिर्फ आपको ये एज सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है 1.5 GB का। गाइज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कोई भी मेजर अपडेट नहीं है, ये जस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है आपके डेटा को और सिक्योर रखने के लिए। तो आप को ये कर लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि जो भी आपके फ़ोन में बैंकिंग सर्विसिंग ऐप हैं या और कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए एंड मोर सिक्योर हो जाए, एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे वो सेफ रहे। तो बेसिकली इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।